साइज की बोटी बना ली, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, गंद वगैरह सब कुछ साफ कर दिया, प्रेशर कुकर में डाल दें। इसको इसमें शिफ्ट करने लगे हैं कढ़ाई में। कमाल की खुशबू आ रही है अभी से ही। ये देखें, इसके ऊपर इस टाइम पे धनिया जाता है, सब्ज़ धनिया। वो आपको मुझे मिला नहीं इस टाइम मार्केट से, तो मैं बगैर धनिया के सर्व कर रहा हूँ। अगर आप सर्विंग करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। कुकिंग को बहुत ही आसान करने लगे हैं, आपकी फरमाइश के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक रेसिपियां देने लगे हैं। चिकन के पोर्ट कलेजे किस तरीके से तैयार होते हैं, बहुत अरसे से कॉल्स आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं कुछ आगे पीछे हो रहा था, उसके लिए माजरत। कमाल का तरीका बताने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। एक किलो, इसको छट्टी भी कहा जाता है, पोट भी कहा जाता है, पोटा भी कहा जाता है, जो नाम भी आप दे लें, कलेजी चिकन की, चिकन के बता रहा हूँ। और इसमें साथ में दिल, ये सब कुछ मैंने साफ करके इस साइज़ की बोटी बना ली, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, गंद वगैरह सब कुछ साफ कर दिया, प्रेशर कुकर में डाल दें। टोटल वजन कितना है? एक 1 kg लहसुन तकरीबन, ये देखें 8 जवे लहसुन के शामिल कर दें। 3 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के। अगर वज़न में देखा जाए तो ये 150 ग्राम प्याज और 150 ग्राम टमाटर किस तरह डालने हैं, 4-4 टोटे करके, बस। बहुत ही टेंशन ही नहीं लेनी, बहुत ही आसान करने लगे, टेंशन फ्री। ये देखें, डाल दें इस तरह, टमाटरों के भी 4-4 टुकड़े कर दें, ये देखें इस तरीके से, ये लें जी 4-4 टुकड़े करके टमाटरों के इस तरीके से डाल दिए मैंने, इस तरह, कोई मसला नहीं है। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 tablespoon शामिल कर दें, हल्दी 1/2 teaspoon शामिल कर दें, नमक 1/2 tablespoon या अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक का खास ख्याल रखा करें, शामिल कर दें। पानी आधा किलो का मांगा है, लेकिन मैंने 400 ml, ये लें, आधा किलो पूरा नहीं डाला, 400 ml पानी शामिल कर दें। थोड़ा सा इसको हिला लें, ये लें, प्रेशर कुकर का कवर लगा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ऊपर इसके वेट दे दें, 8 मिनट के लिए इसको चलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हाई कर दिया, विसल चलेगी 3 मिनट के बाद, वो मैं नहीं गिनता, 3 मिनट के बाद, 8 मिनट में गिनूंगा, 8 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। ये नबी वर 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी स्टीम हमने रिमूव कर दी। इसको खोलने से पहले, हमारे एक भाई हैं, उनका एक चैनल है यूट्यूब पे जरगाम TV के नाम से, इंफॉर्मेटिव चैनल है और बहुत कमाल की वो वीडियो बनाते हैं, आप वहां पे जाइए, उनके चैनल को का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिस तरीके से आपने बाबा फूड को मुझे मुहब्बतें दी हैं, इस तरीके से जरगाम TV को मुहब्बतें दीजिए, ठीक है। ये सामने स्क्रीन पे भी उनका जो है ना चैनल का नाम भी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी दे रहे हैं, ठीक हो गया। इसको खोलने लगे हैं, ये लगे इस कंडीशन में आ गए, अब हमने करना क्या है, ये लगे, और इस टाइम पे आके इसको इसमें शिफ्ट करने लगे हैं कढ़ाई में। कमाल की खुशबू आ रही है अभी से ही, ठीक हो गया। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ, इस तरीके से फ्राई करें। अब ये जो टमाटर की स्किन है, ये मैं रिमूव कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर की स्किन रिमूव करने के बाद फ्लेम को हाई कर लें और 3 से 4 मिनट लगेंगे, इसका पानी पुश कर लूँ मैं, इसका पानी पुश करने के बाद आपको मिलता हूँ। थोड़ा सा पानी कुछ हो जाने के बाद, जब इस तरह का पानी कुछ हो जाए, ये मेरे पास 1/2 इंच का टुकड़ा था अदरक का और 5 अदद सब्ज मिर्चें थी, मैंने चॉप कर लिया, ये इस टाइम शामिल कर दें इसमें। कमाल की बनेगी, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये जो चिकन के पंजे जो लोग तैयार करते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको उसकी रेसिपी बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगा। 1 tablespoon खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल कर दें और 1 tablespoon ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें, अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर 2 मिनट के लिए और मज़ीद पका लें, उसके बाद मैं 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। 2 मिनट के बाद 80 ग्राम घी या ऑयल, कोई चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शामिल कर दें और इसको 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, फ्लेम मेरा मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से मैं भुनाई कर लूँ, तकरीबन 4 मिनट में इसको भूनूंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ।
जिनके पास कुकर नहीं होता आपने पहले मैंने आपको इंशाल्लाह मुझे जितनी भी कॉल्स आ रही हैं जिन लोगों ने कल मुझे कॉल की आज कॉल की प्रेशर कुकर के हवाले से मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिन जो लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना नहीं जानते या उनको डर लगता है मैं वो डर भी दूर करूंगा आपका मुकम्मल आपको गाइड करूंगा प्रेशर कुकर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं ठीक हो गया। भुनाई कम्प्लीट होने के बाद तकरीबन 30 से 40 ग्राम दही फ्लेम को स्लो कर दें फ्लेम स्लो करके 30 से 40 ग्राम दही आए हाय 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 पेड़े पेड़े हल्की आंच पे तकरीबन 1 से 2 मिनट दही का पानी खुश कर लूँ उसके बाद आपको मिलता हूँ। पेड़े बन रहे हैं पेड़े इंशाल्लाह। ये नहीं जी दही का पानी खुश करने के बाद आंच को थोड़ा सा मीडियम कर दें हल्का सा तो ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सुने एक तो ये पोटा जो होता है ये बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा आप इसको गला लेंगे दांत के नीचे जब ये आवाज़ नहीं देगा तो टेस्टफुल नहीं लगेगा ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। और पोट कलेजी दिल जो मैंने आपको तैयार करके दिखाया चिकन का ये थोड़ा सा तीखा होता है नमक मिसाले इसमें ज़्यादा जाते हैं ये बात भी आपके जहन में रहे। काली मिर्चें हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें गर्म मसाला जिसकी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें इसको मिक्स कर लें ये देखें मिक्स करके और फ्लेम को बंद कर दें फौरन आप नहीं पकाना सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर दे दें 1 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी 1 मिनट के बाद इसको ढकने का मकसद ये था कि इसके ऊपर तरिया आ जाए सालन की लुक वाइज खूबसूरत लगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें इसके ऊपर इस टाइम पे धनिया जाता है सब्ज़ धनिया वो आपको मिला नहीं मुझे मिला नहीं इस टाइम मार्केट से तो मैं बगैर धनिया के सर्व कर रहा हूँ। अगर आप सर्विंग करें कस्टमर को दें खुद खाएं किसी को दें तो आप इसके ऊपर सब्ज़ धनिया की गार्निश लाजमी कर लिया करें। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हमारे एक भाई हैं उनका एक चैनल है जरगाम टीवी के नाम से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है आई बटन में भी आ रहा है आप उनके चैनल को विजिट करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो देखने को मिले। ठीक हो गया ये पैगाम सारे सुन लिया मेरे गलत तवज्जो नाल। अगर आपको हमारी ये रेसिपी जो हमने तैयार की है पोट कलेजी दिल चिकन की अच्छी लगी हो तो हम मुझे दुनिया में जहां देखा जा रहा है सुना जा रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा और हमारी हौसला अफजाई होगी। दुआओं में याद रखा करें मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।